दोस्तों, क्या आपको कोई गांव की औरत पसंद है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे उन्हें अपना बनाएं या कैसे उनसे बातचीत शुरू करें, ताकि जितना आप उनके बारे में सोच रहे हो वह भी उसी तरह आपके बारे में सोचने लगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, गाँव की औरत को पटाना मुश्किल नहीं होता है। सबसे मुश्किल होता है उनसे मिलना और बातचीत करना, क्योंकि गाँव के लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं ये सारी चीज़ें। ऐसे में आपके पास काफ़ी कम चांस होते हैं उनसे मिलने के। शुरुआत में उनसे बात कैसे शुरू करें? यहाँ पर आप अपना कोई दोस्त बनाइए, उनके घर के आसपास किसी की मदद से आप उन्हें देख पाए, उनकी नज़रों में आए, ताकि वो नोटिस करे आपको। इसके अलावा आप उनके घर वालों से दोस्ती करो, ताकि जब भी आप किसी बहाने से उनके घर जाओ तो वो औरत आप पर कोई गलत शक ना करे या गलत ना समझे। उसके बाद आप कभी कभी कुछ बहाना लेकर ऐसे समय पर उनके घर जाओ जब वो अकेली हो, और उनसे पूछिए कि भाभी, क्या बात है, आज आप अकेली हो? चलो, मैं बाद में आता हूँ। और हाँ, ये सब आपको घर के अंदर चले जाने के बाद पूछना है। फिर उनका रिस्पॉन्स देखिए कि अगर वो आपको कहती है कि बैठो ना थोड़ी देर फिर चले जाना, या फिर वो आपसे बहुत खुश होकर बातें करे, तो आप जान सकते हो कि हाँ, वो आप में इंटरेस्टेड है। और ज़रूरी बात यह है कि आप जिस भी औरत को पटाना चाहते हो वो आपसे तभी बात करेगी जब आप उन्हें इतना यकीन दिला दोगे कि जब वो आपके साथ रिलेशन बना लेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। जब औरत को इस बात का भरोसा हो जाएगा तो समझो आधा काम आपका हो चुका है। नंबर 2, दोस्तों, आजकल सभी के पास मोबाइल है, वह भी व्हाट्सएप यूज़ करती होगी, तो आप किसी भी बहाने से उनसे बात कर सकते हो। अगर वो आपको देख रही है, इंटरेस्ट ले रही है, तो ज़रूर बात करेगी। और जो दूसरी टाइप की औरत होती है, जो ज़्यादातर खेतों में काम वाम करती है, आती जाती रहती है, तो आप खेतों पर या रास्ते में उनसे मिलकर बात करिए। और अगर वो आपको हिंट दे रही है, जैसे कि आपको देखकर साड़ी ठीक करे, आपसे एक टक नज़रें मिलाए, तो आप बहुत ही आसानी से उन्हें पटा सकते हो। नंबर 3, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट लाइए। दोस्तों, कुछ लड़के होते हैं जो किसी से ना बात कर पाते हैं ना किसी के पास जाते हैं, उनके अंदर हमेशा डर रहता है, पर यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ उनके साथ बात कीजिए, और यकीन मानिए, आप बस 2-3 बार सामने से उनके साथ बात कर लीजिए, उसके बाद वो खुद आपसे बात करेगी। गांव में औरतें अक्सर ऐसे आदमियों को ज़्यादा पसंद करती है जो थोड़ा इंटेलिजेंट है, उनकी वहाँ लोग इज्जत करते हो। गांव की औरतें ये सब नोटिस करती है। और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, कि अगर कोई भी औरत दिन भर ऑनलाइन रहती है या फिर फ़ोन ज़्यादा चलाती है, उसके अलावा कोई लड़के से फ्रेंडली बात करती है, तो आप 100% श्योर हो सकते हो कि उन्हें किसी की ज़रूरत है। वह खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। नंबर 4, आप उस औरत के साथ ऐसे समय पर हमेशा रहे जब उनके घर पर कोई लड़ाई झगड़ा हो, उनके पति के साथ कोई मारपीट हो, या उनके पति के साथ झगड़ा हो गया हो, या वो किसी कारण से परेशान हो। वह सबसे अच्छा टाइम होगा उनके करीब जाने का। उस टाइम वो आपको सब कुछ बताएगी और आपके करीब भी आएगी। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि औरतें जब भी गुस्सा होती है तो उन्हें सिर्फ ये लगता है कि वो बिल्कुल सही है और उनकी कोई गलती नहीं है, और तब आप उनसे अच्छी अच्छी बातें करोगे तो उन्हें लगेगा कि सिर्फ आप ही उन्हें समझते हो, हमेशा उनके साथ देते हो। तब आपकी इम्पोर्टेंस उनकी ज़िंदगी में एकदम से बढ़ जाएगी। और जब इंसान का दिल किसी पर आ जाता है तो वो उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती है।